ज़्यादा तैयारी तो नहीं की थी, बस रेडी हुए थे, आधा आधा पौना घंटा लगा था बस रेडी होने के लिए. लेकिन यस, वी आर रियली एक्साइटेड फॉर द इवेंट. काफ़ी लोगों से मिलना जुलना होता है. इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट पार्टी आई एम अटेंडिंग इन सितंबर. मैं जन्नत पार्टी सो मेनी पार्टीज बाय गॉड बिकॉज़ ऑफ अ नाइट शिफ्ट्स. हां, दिस थ्री पार्टीज बैक टू बैक. सो दिस इज द फर्स्ट पार्टी आई एम फाइनली कमिंग एंड आई एम गोना मीट ऑल माय फ्रेंड्स. मैं और जन्नत भी काफी टाइम बाद मिल रहा है एक्चुअली. बहुत गुस्सा हुई थी, शी वाज गोना किल मी. इतने दिन बाद भी मिले तब भी ट्विनिंग आप लोग, मतलब ब्लैक एंड ब्लैक एक्सीडेंटली. वो एक्चुअली हमारा हार्ट कनेक्टेड, ऐसे दिल से कनेक्शन है ना, तो इसीलिए. आज राम जी का बर्थडे भी है, प्लस उनका एल्बम भी लॉन्च हो रहा है. कितनी हो गया है लॉन्च, नंबर 3 ट्रेंडिंग, नंबर 1 है, नंबर 1 ट्रेंडिंग, थर्ड डे एक्चुअली. उल्टा बोला मैंने, नंबर 3 ट्रेंडिंग, नंबर 1. ओके, सो क्या कितनी विशेस आज देना चाहेंगे आप राम जी को? बहुत सारे विशेस, और आई होप उनके जितने भी गाने लाइन में अभी पाइप अप हैं, इतने सारे, बहुत सारे हैं, हम अभी शूट भी करके आए हैं, वो सब ऐसे ही नंबर 1 ट्रेंड करें. और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका गाना उनके चैनल पर आया है, और आज थर्ड डे है और नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, और उनका आज बर्थडे भी है. तो आई थिंक उनके लिए बहुत ही अच्छा स्पेशल सॉन्ग रहा, और बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट भी उनको दिया फैंस ने. आप क्या विशेस देना चाहेंगे? या टोटली आई गेस it's one of the best birthday gifts one can get. Third din hai, abhi bhi number 1 pe trend ho raha hai, on his own channel, his own song, and it's a really nice song based on friendship. So lots of love and luck, and aur din tak trend hota rahe aise hi number 1 pe. Okay, Channat, aap Ram ji ke sath kaam kar chuke, ek album already come no ha kab okay, here's the birthday boy. Big boy. Birthday boy. एक स्पेशलिटी आई कांट टेल यू, आई एम सो सॉरी. आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव एवर वर्कड विथ, एंड आई एम सो सो कम्फर्टेबल अराउंड हिम, एंड ही सच अ नाइस ह्यूमन. यू नो, मैं अपना भी जब गाना करी थी तो मैं बहुत शर्माती थी, पर इनके सामने मैंने गाया और मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आया, बिकॉज ही मेक्स एवरीबडी सो कम्फर्टेबल एंड ही इज़ वेरी वेरी जेन्युइन. एंड ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ बिकॉज इनका बर्थडे है और मैं इनकी पार्टी में आई हूँ. आई एक्चुअली आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन. स्वीट. नो नो, इट्स ऑल थैंक्स. हमने जब लास्ट गाना भी किया, सर और मैम की ब्लेसिंग्स थी, हु सपोर्टेड जन्नत एंड मी सो मच, एंड आई थिंक इट्स ऑल देयर ब्लेसिंग्स दैट टर्नड आउट टू बी सो गुड, एंड सपोर्ट ऑफ जी म्यूजिक. एंड जन्नत इज सच एन स्वीट हार्ट, एंड आई लव वर्किंग विद हर. एंड जो हमारा नेक्स्ट गाना रहा, हम केक कटिंग के बाद अनाउंस करने वाले हैं. So you guys just stay tuned for like 5 minutes. Thank you. Thank you. Okay, and yeah, okay, ready. Ready, sorry. Okay, so aaj double khushi hai, Ram ji ka birthday hai, plus unka song number 1, plus hum log bhi mile hain, plus hum tino mil gaye, hum tino hai. Nahi, actually Ram ji ko a lot of congratulations, and to Fezu as well. And I'm really happy for them, yeah, because gana acha hai, maine gaane ka trailer dekha tha, it's a nice song. Yeah. अपनी तेरा भी गाना आ रहा है. इसका गाना आ चुका है, मैं 3 शूट करके आ गई. आई कांट स्टॉप लविंग, सॉरी. इसका गाना आने वाला है, इसका गाना आ गया, मैं 3 शूट करके आ गई, पर अब तक डिले हो रहा है. आ जाएगा, आ जाएगा, आएगा वेरी सून में भी. हाँ, आ रहा है, आ रहा है. हाँ, सो मेरा गाना आ रहा है मेरी नैना, विच इज़ रिलीजिंग ऑन द 30th of September. सो गाइज प्लीज़ देखिएगा, बहुत ही स्पेशल गाना है मेरे लिए ये, और बहुत ही धमाकेदार हिट बनाई है गाने को. थैंक यू. सिद्धार्थ के साथ भी आपका आ रहा है ताज, उसके बारे में? हाँ, सिद्धार्थ के साथ आ रहा है मेरा बर्थडे पे, आई गेस हम लोग प्लान कर रहे हैं रिलीज करने के लिए, लेट्स सी. बट बहुत स्पेशल गाना है वो मेरे लिए, एंड स्पेशली फॉर बॉर्न रोज. सो गाइज डू वॉच ऑल माई सॉन्ग्स विच आर कमिंग. मेरे भी देखो, अभी एक तो टाइम पे आनी, तो तीनों एक साथ आएंगे. बिकॉज मैंने ऐसे सोचा था कि मतलब कि चलो अब एक शूट किया वो आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, बट वो तीनों डिले हो गए, तो आएंगे सब तीनों साथ में आएंगे. ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है कभी भी. दैट्स गुड ना. या सारे हाइप, तुम धमाका दोगी ना एक ही बार सब लोगों को, कंपटीशन दोगी सब लोगों को. मैं भी बोल देती हूँ, मेरा और विशाल. नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है सबसे पहले मेरा और विशाल का आएगा, बाद में बाकी के दो आएंगे. उसमें तो ये पटाखा लगी है यार. सिर्फ अवनीत को मेरा लुक पता है और किसी को नहीं पता. क्योंकि हम मिले थे ना. हाँ, चंडीगढ़. अच्छा, ओह दैट्स व्हाई. नाइस. आप भी कह रही थी आपका भी गाना आने वाला आ गया. एक गाना ऑलरेडी
आ गया है, सम अदर इन द पाइपलाइन, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मुँह से निकल गया है मेरे तो निकल गया, लेकिन आ रहे अभी पढ़ाई का अश्नूर इज इन फुल मूड, वो कुछ भी बोल सकती है अभी वो मतलब कि मेरे सीक्रेट्स भी खोल सकती है, मुझे लग रहा है तो पीछे फिर मेरे को अभी पटियाला वेव्स चल रहा है, म्यूजिक एल्बम्स भी आ रहे हैं तो थोड़ा रुक जाओ आएंगे, वो बोली रुक जाओ वो एक्चुअली राब्ता के बाद मुझे कोई अच्छा गाना सुन समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज राब्ता इज सच अ नाइस सॉन्ग, इसलिए मैं कुछ तो है तुझसे राब्ता। अरे देखो उनकी लॉन्च पार्टी दूसरे गाने की है, दूसरा गाना प्रमोट मत करो, नजर ना लग जाए, नजर आई कांट सिंग, इवन आई कांट सिंग, ऐसा है नजर ना। अभिनीत का गाना मैंने सुना गाड़ी में, ओहो हो क्या गाना, मत ऐसा मत बोला, नहीं नहीं शी सिंग्स वेरी वेल, अभी मेरा सिंगिंग करियर शुरू ही नहीं हुआ है, खत्म हो जाएगा पहले ही, वो तो मस्ती वाला सॉन्ग होता है जो गाड़ी में हम फ्रेंड्स के साथ गाते हैं, वैसे मैं भी बहुत सुरीला गाती हूँ, सारे का बाबा मैं ही होस्ट कर रही हूँ इस साल, जी ने बोला है चलो हो गया, कितना मसाला मिल गया यार आपको, हो गया यार अब कोई ना कोई डाल देना ऊपर, धर धर धर, कोई तो ऐसी बात बोली होगी मैंने जो आप टैगलाइन बनाई दो कि क्या ये ऐसा ऐसा हुआ वैसा वैसा हुआ, बना देना बस सब अलग ही, बस बस चिल डाउन कर लेना, शो कितने अच्छे जा रहे हैं, एक दूसरे की तारीफें बनती हैं, मैंने पटियाला बीप्स का एक एपिसोड देखा है, मैंने अलादीन एक भी मेरे घर पे वो देखे, बड़ी बेशरम है यार, मेरा शो किसने देखा है, मैंने नहीं देखा नहीं एक्चुअली मेरी दादी मेरे शो मैंने देखा था रीम का, स्टार्टिंग में देखा था मैंने व्हेन शी इज डांसिंग, हां तो एक्चुअली मेरा क्यों नहीं देखा क्योंकि सेम टाइम स्लॉट था पहले, नहीं नहीं एक्चुअली अभी देखो अश्नूर मेरा टाइम स्लॉट सेम हो गया है, तो मेरे घर पे क्या होता है ना कि मेरी दादी राब्ता टेलीकास्ट में देखती है और पटियाला वेब्स रिपीट में देखती है, मेरी दादी पटियाला वेब्स छोड़ती नहीं, तुम्हारे घर सब बच्चे नहीं है, मेरे दिल्ली वाले घर में बहुत बच्चे हैं, वो लोग अलादीन देखते हैं, थैंक यू सो मच, नहीं पर मैं अलादीन के सेट पे गई हूँ एंड द सेट इज ब्यूटीफुल, टेलीकास्ट में सच में बोलूंगी मैंने नहीं देखा, सेट अच्छा है, बट चेक तो अच्छा है ना, क्लीन है ना, खुश है ना, बहुत अच्छा टेलीकास्ट में, बहुत अच्छा है, हमने काफी फैंस से प्यार आ रहे हैं, काफी हां हां बिल्कुल, मैं प्रोमोस देखते रहती हूं, लव द ग्राफिक्स, काफी अच्छा विजुअल्स होते हैं, काफी अच्छी सुंदर कन्याएं होती हैं शो में, एक ही कन्या है, एक ही कन्या है सुंदर, हाँ लेट मी करेक्ट, एक कन्या बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, आउट ऑफ द वर्ल्ड सुंदर है एक्चुअली, अश्नूर क्या चीज़ है, तो बोल आज बस बोल, मेरे दिल नहीं गई, अश्नूर इज इन फुल मूड नाउ, तो अभी बस बंद करें फिर कट करें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितनी तैयारी करके आई थी आज के इवेंट के लिए आप? तैयारी मतलब पार्टी में तो सब तैयार हो के आते हैं, ऐसे हम भी तैयार हो के आए, मतलब कितनी चूजी हैं आप लाइक व्हाइल गोइंग एनी इवेंट और एनी पार्टी, हां चूजी हैं आप सेलेक्ट करना आज मुझे ये पहनना है आज ऐसे देखा जाए तो मैं कुछ डिसाइड नहीं करती हूँ मैं क्या पहनने वाली हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे आउटफिट्स होते हैं, तो मैं देखती हूँ, हाँ पिछली बार मैंने इस कलर या इस टाइप का कुछ पहना नहीं था, तो ये इस बार ये वाला कुछ ट्राई करते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम एंड हैप्पी बर्थडे राम जी सर, यू आर द बेस्ट एंड आप बहुत स्वीट हैं, आपकी सारी दुआएं कबूल हो एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड आप जो करें वो बहुत अच्छा करें, एंड टीम के लिए मैं कहना चाहूँगी मैंने सॉन्ग देखा मुझे बहुत प्यारा लगा एंड उसमें जो मैसेज दिया था ड्रग्स को लेके वो बहुत अच्छा था, बिकॉज वो मैसेज दे वो वीडियो देख के वो मैसेज को लोग बहुत फॉलो करेंगे, सो या मुझे बहुत पसंद आया। सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मुझे तब थोड़ा सैड हुआ था जब आई थिंक अदनान मर गया था, तो मुझे वो थोड़ा सैड हुआ था, बट हाँ सबने बहुत अच्छा काम किया, हाँ ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहिए। मेरे सारे मेरा शैडो, बिकॉज आई लव हिम, वो डॉगी है बट मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड जब मैं मतलब जब वो आया था तब से मेरा वो बेस्ट फ्रेंड लाइक बी एफ एफ फॉर एवर है वो,
तो मेरा लाइक फेवरेट है वो, दुनिया का सबसे प्यारा एंड मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यारा। सो आप सबने यारा को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, तो इसलिए हमने क्यों ना सोचा क्यों ना हम यारा 2 लाए। एंड यारा 2 बहुत अमेजिंग सॉन्ग है, बहुत मज़ा आने वाला है। आई नो आप सब बहुत एक्साइटेड हो और कंफ्यूज भी हो बिकॉज यारा 2 में क्या होगा, कौन होगा, उस चीज़ को लेके, बट जल्दी आप सबको वो चीज़ पता चलेगी एंड आप लोग खुश हो जाओगे। आई एम श्योर कि आप लोग खुश हो जाओगे वो गाना देख के एंड रो भी पड़ोगे। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत से लोग अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, बिकॉज कुछ लोगों के पास जरिया नहीं होता है कि हम अपना टैलेंट कैसे शो करें, आइडिया नहीं होता है, कुछ दिमाग में नहीं आता है कि कैसे शो करें, तो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम शो कर सकते हैं। ट्रोलिंग की बात हुई, ट्रोल तो सभी होते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मैं मेरे सारे फैंस को कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे टिकटॉक, मेरे यूट्यूब, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो एंड इतना सपोर्ट कर रहे हो यारा को, मेरे जितने सॉन्ग्स आ रहे हैं उसको इतना प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल माई आयरिश फैंस, लव यू, थैंक यू।